Kulbhushan Jadhav. He is wearing a crisp suit, but this is an oversized one. This is the sign of an injury here. The medical report claims that the 48-year-old Kulbhushan Jadhav, particular trauma that he has been subjected to, or torture he's subjected to, or something has happened in the past. भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। इस्लामाबाद में जासूस कुलभूषण यादव की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनकी वालिदा और अहलिया से मुलाकात कराई गई, जिसकी तस्वीर जैसे ही मंजरेआम पर आई, शातिर भारतीय मीडिया पर जारी प्रोपेगंडा मुहिम मजीद तेज कर दी गई। पर्टिकुलर ट्रॉमा दैट ही इज बीन सब्जेक्टेड टू और टॉर्चर ही इज सब्जेक्टेड टू और समथिंग हैज हैपेंड इन द पास्ट। मुलाकात की तस्वीर में कमांडर कुलभूषण सेहतमंद और फ्रेश नजर आ रहा है। तहम भारतीय मीडिया साबित करने पर तुला है कि उसके जासूस पर तशद्दुद किया जा रहा है और वो मुलाकात के दौरान उधेड़ उम्र और पहले से कमजोर नजर आ रहा है। But this is an oversized one. Look at it. His hands are inside, shrunk inside, so he is being made to look bigger than he actually is. This is clearly a suit that's been brought for him just to make him look good here in this. There is a bruise mark or a hurt mark right behind the ear, and this portion, this is not the color of hair growth or undergrowth. This portion looks like this is the sign of an injury here. मुलाकात हो गई, जासूस कुलभूषण ने पाकिस्तानी हुकाम का शुक्रिया भी अदा किया, मगर तंग नजर भारतीय तज्जियाकार इसे भी साजिश करार देने पर तुले हैं। शीशे की दीवार के आर पार और कैमरों की निगरानी में होने वाली मुलाकात को महज दिखावा करार दिया जा रहा है। कुलभूषण यादव फेस लुक्स लाइक इट हैज बीन टच्ड अप और मेड अप फॉर हिम टू लुक प्रेजेंटेबल टू दीज कैमरास। व्हाट दे आर ट्राइंग टू शो इज दैट दिस वाज अ रूम, देयर वाज नोबडी एल्स अराउंड, एंड this picture gives you the impression that it's just the son, the mother, the husband and the wife, but that's not the case. There is somebody else who was sitting behind. भारतीय तज्जियाकार कुलभूषण की मेडिकल रिपोर्ट का भी एक्सरे स्कैन करके उसमें कुछ निकालने की कोशिश में नजर आए, जब नाकाम हुए तो रिपोर्ट को ही जाली करार दे दिया। The medical report claims that the 48-year-old Kulbhushan Jadhav is alert and oriented gentleman, 177 centimeters high. His BMI is perfect, at least that's what this report suggests. सिर्फ इसी पर बस नहीं, मुलाकात के बाद कुलभूषण के अहले खाना को वापसी के लिए एक मिनट का इंतजार करना पड़ा। इस इशू पर तो भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया है। Foreign office there, they are moving out, and this is a meeting that took place for about 45 minutes. भारतीय मीडिया की ये प्रोपेगंडा मुहिम दरअसल कमांडर कुलभूषण जाधव को जासूस नहीं मासूम करार देने की कोशिश है, जिसमें हस्बे रिवायत उसे मुंह की खाना पड़ रही है। And you can do the government of Pakistan for going to vanish. कुलभूषण यादव ने एक बार फिर पाकिस्तान में अपनी मजमूम सरगर्मियों का एतराफ किया है। वालदा और अहलिया से मुलाकात से कबल अपने वीडियो बयान में कुलभूषण यादव ने बताया कि वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता रहा है और दो साल कबल ईरान से सरहद उबूर करके पाकिस्तान में दाखिल हुआ। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुझे हिरासत में लिया। पाकिस्तानी हुक्काम मुझसे बहुत इज्जत और वकार के साथ पेश आए। उनका रवैया पेशावराना था। मैंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी वालदा से मुलाकात की दरख्वास्त की, जिस पर अहलिया और वालदा से मुलाकात भी कराई गई, जिस पर वो पाकिस्तानी हुक्काम का शुक्रगुजार है। पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहिरा करते हुए भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की अहले खाना से मुलाकात कराई, लेकिन भारत ने उसका जवाब गोली की शक्ल में दिया। आईएसपीआर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के रख चक्री और रावलाकोट सेक्टर पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में 3 जवान शहीद और 1 जख्मी हो गया।
पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से दुश्मन की जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एलओसी पर जंग बंदी के लिए 2003 में एक मुआहिदे पर दस्तखत हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। वाज़ेह रहे कि रवा बरस भारत की जानिब से अब तक 1300 से ज्यादा मरतबा वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की जा चुकी है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हो चुके हैं, उनमें अक्सरियत सिविलियन की है।